हेलो स्टूडेंट्स। तो लिमिट पढ़ रहे थे हम लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था करने को, उस पर बात कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स माइनस टू टाइम्स tan inverse of greatest integer of 10x, है ना। यही था एग्जाम्पल। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लू ना। हाँ यही था, ठीक है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है तो आपको पता है LHL और RHL में थोड़ा सा हम संभल के चलेंगे अलग अलग, है ना। तो सपोज अगर मैं RHL की बात करता हूं तो जब x 0 प्लस को जाएगा तो sin x भी 0 प्लस को जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब एक्स जीरो प्लस को जाएगा तो कॉस एक्स जो है कॉस एक्स वो एक से थोड़ा छोटा होगा। कॉस ग्राफ ऐसा होता है ना, तो जब जीरो से जस्ट आगे बात करेंगे तो कॉस एक्स से थोड़ा छोटा होगा, एक से थोड़ा सा भी छोटा हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और टेन एक्स भी एक जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाएगी साइन इनवर्स जीरो प्लस कॉस इनवर्स जीरो माइनस टू टाइम्स टेन इनवर्स जीरो। देखो ये टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, कॉस इनवर्स जीरो पाई बाय टू होता है आपका, ठीक है। नाउ अगेन अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात करें LHL की, तो यार जब x 0 माइनस को अप्रोच करेगा, मतलब 0 को लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करेगा, 0 से थोड़ा सा छोटा होगा तो जो साइन x है वो भी 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपका माइनस वन हो जाएगा। 0 से हल्का सा भी छोटा होते ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन हो जाएगा। बट जो cos x है वो तो देखो 0 से पीछे से जाओगे तो भी 1 से थोड़ा नहीं कम ही होगा, 1 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। और ये जीरो से माइनस जीरो से थोड़ा सा कम होगा, ये एक से थोड़ा सा कम होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा यार, जीरो ही होगा। और टेन एक्स भी उस केस में बेटा क्या होगा, टेन एक्स भी जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, मतलब माइनस जीरो की तरफ जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी फिर टेन एक्स का आपका क्या बन जाएगा, माइनस वन बन जाएगा। तो LHL की बात करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन प्लस कॉस इनवर्स ऑफ जीरो माइनस टू टाइम टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन। तो देखो साइन इनवर्स माइनस वन होता है माइनस पाई बाय टू, कॉस इनवर्स जीरो होता है प्लस पाई बाय टू, माइनस टू टाइम्स और टेन इनवर्स माइनस वन होता है माइनस पाई बाय फोर, तो माइनस पाई बाय फोर। तो देखो ये दो से ये दो कट गया, माइनस से माइनस प्लस, ये बन गया पाई बाय टू, ये पाई बाय टू इससे उड़ गया, आपका आंसर क्या आ गया, सॉरी कॉस इनवर्स जीरो पाई बाय टू होता है तो ये भी पाई बाय, ठीक है। तो LHL RHL बराबर है, हेंस लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx जो ये दे रखा था इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसमें कल हमने बात करी थी जब कि कौन से ऐसे केसेस हैं जब हमें LHL RHL को सेपरेटली देखना ही पड़ता है ना, मतलब कॉन्शियस होके हमें अलग अलग देखना ही पड़ता है। उसमें मैंने मेजरली बताया था कि यार मेजरली ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिग्नम है, फ्रैक्शन पार्ट है, उसके अलावा आपसे बताया था कि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, है ना, जैसे ही बना अपन एक्स टाइप था तो LHL RHL को अलग अलग देखना है। एंड जो स्पेशली अपने बात करते हैं कि एक और था पीस वाइज फंक्शन, है ना, कि मान लो जीरो के लेफ्ट, जीरो पे लिमिट देखनी है तो जीरो के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन है, राइट में अलग है, जब डेफिनेशन ही फंक्शन की अलग होगी तो अलग से ही देखोगे ऑब्वियसली, है ना। तो उसमें हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि LHL RHL को कंबाइंडली डील कर ले तो कुछ दो तीन क्वेश्चन अपन उसमें करते हैं लोग ठीक है। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है FX आपको दे रखा है 2x माइनस 3 और इधर दे रखा है आपको 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये दे रखा है जब x दो या दो से बड़ा है, और ये दे रखा है जब x दो से छोटा है। और आपको पूछ लिया क्वेश्चन में कि लिमिट x टेंड्स टू टू एफ एक्स बता दो क्या होगा। तो एक बात बताओ, जब RHL देखोगे आप, है ना, मतलब लिमिट x टेंड्स टू टू प्लस की बात करोगे जब, तो दो के जस्ट आगे फंक्शन ये है या ये है? यही है ना, क्योंकि ये फंक्शन दो या दो से आगे के लिए है, और ये वाला फंक्शन दो या दो से पीछे के लिए है। तो दो से जस्ट आगे फंक्शन ये देखोगे तो आप इसमें रखोगे 4 - x2। सही है। अब आप देखोगे कि जब x दो को जा रहा है, चाहे प्लस से जा रहा है, तो जो एक्स स्क्वायर है वो 4 प्लस को जा रहा है, तो 4 - 4 + 0 - को जा रहा है। कुल मिला के ये क्वांटिटी 0 - की तरफ, जीरो की तरफ जा रही है। भाई ये 4 को जा रहा है, 4 - 4 0 को जा रहा है। इनडिटर्मिनेंसी इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। कल आपको मेथड बताया था, नोट वन यही है। अगर आपको सबसे पहले अपने फॉर्म चेक करें, इसमें 4 - 4 0 को जा रहा है, कोई फॉर्म दिक्कत ही नहीं है, तो लिमिट क्या आ गई आपकी, RHL 0 आ गई। अब अगर LHL की बात करोगे आप, तो यार आप क्या बोलोगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस एफ एक्स, दो माइनस में फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी है, ये है। तो आप उसको क्या बोलोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस 2x - 3। अगेन यहां कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं है। स्टेप वन क्या है आपका, फॉर्म चेक करना। जब एक्स दो को जा रहा है, दो के लेफ्ट साइड से, मतलब तो दो से हल्का सा कम है, तो जो 2x है वो भी 4 से हल्का सा कम होगा। 2x जब 4 से कम होगा, और 2x में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो पूरी क्वांटिटी है वो 4 से अगर कम में से 3 घटाओगे तो 1 से कम क्वांटिटी आ जाएगी। 1 से कम क्वांटिटी की तरफ जा रहा है, मतलब अप्रोचिंग टूवर्ड्स की है। एक भाई जब एक्स दो को जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो ये दो चीज 4 को जा रही है, उसमें से 3 सेपरेट कर रहे हो, तो वो चीज कहां को जा रही है, 1 को जा रही है। तो अल्टीमेटली दिस लिमिट इज 1। सो RHL इज दिस, LHL इज दिस, एंड हेंस द लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। आप ग्राफ से भी देख सकते थे, मेथड टू आप ग्राफ से भी देख सकते थे। आप ग्राफ बना लो, देखो सबको पता है ये ग्राफ होता है किसका, एक्स स्क्वायर, ये वाला। अब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, इसको नीचे शिफ्ट कर दो क्या? ये अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ होगा तो वो ये होगा, है ना। वाई की जगह माइनस वाई रखने पे एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं। नाउ 4 - x² के लिए इसमें 4 ऐड करोगे तो ये ग्राफ 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो अगर मैं यहां बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, 4 - x². लेकिन ये ग्राफ कब वैलिड है, सिर्फ दो या दो से आगे के लिए, और ये वैल्यू आपको पता है 2 होगी, तो दो या दो के आगे के लिए ही वैलिड है, उसके पीछे के लिए वैलिड नहीं है। तो इसको हटा, ठीक है। अब जो हमारा उधर वाला ग्राफ है 2x - 3, वो तो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए आप प्लॉट कर लो, दो पे वैल्यू क्या आ रही है उसकी, लगभग लगभग 1 आ रही है, मतलब दो अगर होता तो वैल्यू क्या आती, 1 आती। और 1 बट यहां है क्योंकि डार्क सर्कल यहां है, क्योंकि दो इस मतलब इस वाले फंक्शन की डेफिनेशन में रखा जाएगा, ऊपर वाले में नहीं रखा जाएगा, ये आएगा। और 0 पे वैल्यू क्या है इसकी, -1। अगर आप ग्राफ से भी देखो तो दो के जस्ट लेफ्ट में लिमिट क्या है, 1, दो के जस्ट राइट में LHL क्या है, RHL क्या है, 0। दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये पीस वाइज फंक्शन, मतलब जिसमें डेफिनेशन अलग अलग दे रखी होती है, तो उन पॉइंट्स पे तो हमें लिमिट निकालने के लिए LHL RHL को अलग से डील करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। तो यार अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकली, है ना, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ढंग से नहीं समझ पाए तो आगे जाके एग्जाम्पल्स में जब अपन करते हैं पूरे चैप्टर के अंदर, जब यह चैप्टर हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं या जिस चीज़ में फंस जाते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं रहती एक्चुअली कि कुछ हम स्टेप कर रहे हैं फॉर कैलकुलेशन रिडक्शन, है ना। वो कब थ्योरेटिकली आप कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को हम यहाँ समझाएंगे। अगर ये नहीं समझेंगे और आप बाद में कुछ भी कर देंगे, तो कई बार क्या होगा, कुछ गलत स्टेप्स जो कई जगह वैलिड नहीं है आप कर दिया करोगे, और फिर आप कंफ्यूज रहोगे, यार मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, या गलत क्यों आ रहा है, आप कुछ और सोचोगे आएगा कुछ और। तो थ्योरी बेसिकली जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए,
इसीलिए पिछले 3 दिनों से मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे एक एक पॉइंट्स को अलग अलग नोट बना के विद एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एंड वैसे ही अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है ना, ये भी थ्योरेटिकली काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान से देखें और समझें, है ना। तो हेडिंग डालें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये, आप ध्यान रखें कि लिमिट x टेंड्स टू a k टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू k टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स वेयर k इज रियल। क्या आप ऐसा लिख सकते हो इसमें किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ कि भाई आपने लिमिट लिखी है किसी फंक्शन की, उसमें सर ये तो कांस्टेंट है, ये के है जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को उठा के हम बाहर लिख सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल पार्ट पे ही हमने फैक्टर फोकस करना है, तो कांस्टेंट को उठा के आप बाहर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी वन हो गई या रूल नंबर वन हो गया कि आप ऐसे कांस्टेंट्स को बाहर खींच सकते हो लिमिट से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड जो है वो है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स ऐसा दे रखा है आपको, ये ग्रेटेस्ट नहीं है ना, ऐसी मतलब लिमिट होल एफ एक्स प्लस जी एक्स को आप ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हो, लेकिन इसके कुछ नियम कानून है, उसी को अपन फोकस करने वाले हैं पॉइंट्स के थ्रू, और यही वो पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूं आगे जाके स्टूडेंट्स गलती करते हैं। या प्लस है तो बीच में माइनस भी आप सेपरेट कर सकते हो, दैट इज नॉट अ इशू, है ना, लेकिन ये और ये लिखना हमेशा सही नहीं है। तो पॉइंट नंबर वन, नॉट वन, वैलिड ओनली व्हेन राइट हैंड साइड इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब कि आपने अलग अलग कर दिया मान लो, तो दिस प्लस दिस या दिस माइनस दिस शुड नॉट बी एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। पता चले जो आप कर रहे हो वो खुद ही इनडिटर्मिनेंसी है, फिर आप अलग अलग नहीं कर सकते। कैसे सर? आप पहले तो ये समझो बीच में प्लस माइनस में ऐसी कौन सी फॉर्म है जो इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट करती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर सकती है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि ये इन्फिनिटी, ये जो है ना, ये जो चीज है ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तभी आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, बेसिक सी बात है भाई, ये चीज आप है तो लिख सकते हो, अगर ये नहीं है, इनडिटर्मिनेट नहीं है, तो आप सेपरेट कर सकते हो। अच्छा, मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दोनों को अलग अलग कर रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये लिमिट क्या आ रही है और ये लिमिट क्या आ रही है, तभी तो आपको पता चलेगा कि यार ये और ये का डिफरेंस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं उल्टा बोलूं कि सर चलो मुझे ये तो नहीं पता कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रही है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कोई एक लिमिट पता है मेरे को दिख रही है कि दो है या चार है या पांच है, ऐसा कुछ भी है ना। तो नोट टू जो ये है, इफ वन ऑफ द लिमिट इज फाइनाइट, लिमिट इज लिमिट एग्जिस्ट, एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू दो आ रही है, तीन आ रही है, पांच आ रही है, फिर आप अलग अलग कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, क्यों कर सकते हो? मान लो ये वैल्यू दो आ गई, दो है, दूसरी मुझे नहीं पता क्या है, दूसरी क्या आ जाएगी? दूसरी दो आ जाएगी, तीन आ जाएगी, माइनस दो आ जाएगी, चार आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आ सकता। तो अगर मान लो दो प्लस दो आ गया तो आंसर चार आ जाएगा, दो प्लस तीन आया तो आंसर पांच आ जाएगा, दो में माइनस दो आ गया तो आंसर जीरो आ जाएगा, रूट टू आ गया तो दो प्लस रूट टू आ जाएगा, और मान लो इनफाइनाइट आ गया तो दो प्लस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, दो में इनफाइनाइट जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा आंसर, और अगर दो में इनफाइनाइट घटा दोगे तो भी माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, तो भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा,
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो तभी बनेगा ना जब दोनों ही लिमिट्स का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी जा रहा है और बीच में प्लस माइनस का साइन है। ये बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि हम इसको ऐसे हमेशा नहीं लिख सकते, तभी लिख सकते हैं जब राइट हैंड साइड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा ऐसी फॉर्म तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, तो अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि एक लिमिट पता है मुझे दिख रही है कि दो है तीन है ढाई है पांच है जीरो है कुछ भी है, तो मैं उसको अलग अलग कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, दूसरी मुझे नहीं भी पता, अगर उसको मैं सॉल्व करूंगा भी और उसकी कोई वैल्यू आएगी तो भी ठीक है, नहीं आएगी इन्फिनिटी आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो प्लस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, सही है। ऐसी इनडिटर्मिनेंसी तो क्रिएट नहीं होगी। चलो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है कि इफ वन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट देन वी कैन सेपरेट द लिमिट्स, वी कैन सेपरेट द लिमिट्स, है ना, जिसको मैं बोलता हूं दुकानें अलग अलग कर दो, दुकानें अलग अलग कर दो, दोनों दुकानों को ऐसे अलग अलग कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब इंडिटर्मिनेंसी ना हो, और क्योंकि मान लो एक पे कोई वैल्यू आ गई फाइनाइट वैल्यू तो दूसरी मुझे पता है या नहीं है, कभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ये इसका लॉजिक है। देसी भाषा में अपने को समझ में आए कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट है तो सेपरेट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक फाइनाइट है तो दूसरा कुछ कुछ भी हो, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इनडिटर्मिनेंसी नहीं आएगी। इनफाइनाइट भी आ गया तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी लिमिट, मतलब हमें ये तो पता चल जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बनता होता है तो फिर ये करना ही गलत है, लेकिन अगर एक दो एक इनफाइनाइट आ गया तो करना गलत नहीं है, मतलब आंसर ही डज नॉट एग्जिस्ट है। बस समझ में आ रही है? तो पहली बात तो ऐसे कर तभी सकते हैं जब राइट साइड इंडिटर्मिनेंट ना हो, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना हो। दूसरा अगर मान लो वन ऑफ द लिमिट पता है हमें, दूसरा हमें अलग कर दिया। तीसरा स्टेप जो है उसको ध्यान से सुने, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चलो मान लो हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता बड़े बड़े एक्सप्रेशन है ऐसे, हम ऐसे थोड़ी पहले सॉल्व कर रहे हैं, हम तो बस मुंह फाड़ के हमने अलग अलग कर दिया प्लस माइनस, है ना, हमें नहीं पता ये भी क्या है, ये वैल्यू कहां को जा रही है ना, हमें नहीं पता, हमने क्या करा मुंह फाड़ कर सेपरेट कर दिया, ऐसे लिखेंगे अपने ताकि समझ में आए, मुंह फाड़कर सेपरेट कर दिया, ठीक है, जो अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं वो लिख ले, इफ वी सेपरेट द लिमिट्स विदाउट थिंकिंग या विदाउट नोइंग द देयर लिमिटिंग वैल्यू, है ना, विदाउट नोइंग देयर लिमिटिंग वैल्यू, देयर लिमिट्स इफ वी सेपरेट, हमने सेपरेट कर दिया तो क्या होगा वो बता रहा हूं मैं आपको। तो दे अपने तो सिंपल लिखें कि हमने मुंह फाड़कर सेपरेट कर दिया, फिर पहला मुंह फाड़कर सेपरेट कर दिया तो क्या क्या हो सकता है, तो कर दिया तो बेटा होगा क्या, एक तरफ तो आपने ये कर दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, बीच में कुछ प्लस माइनस जो भी है, फिर दूसरी तरफ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ठीक है। अब ये कहानी इधर चल रही है, ये कहानी इधर चल रही है इस लिमिट की, और इस दूसरे कमरे में इस कमरे की इसकी लिमिट की कहानी चल रही है। नीचे जाके क्या होगा, सपोज यहां से आंसर आया L1 और यहां से आंसर है L2, तो मैं इस चीज को थोड़ा साइड में समझाना चाह रहा हूं, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं थोड़ा सा ना, तो क्या हो सकता है, तुम इसके नीचे लिखना कि L1 प्लस L2 में क्या क्या हो सकता है, या तो फाइनाइट प्लस माइनस फाइनाइट बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका, इधर से कोई वैल्यू है इधर से कोई वैल्यू है, बीच में जोड़ना घटाना जो भी आप आंसर निकाल दोगे, या क्या होगा एक तरफ से फाइनाइट होगी और एक तरफ से इनफाइनाइट होगी तो भी हमारा आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, फाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ो या इनफाइनाइट घटाओ अल्टीमेटली टोटल आंसर विल टू अप्रोच टुवर्ड्स आइदर प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी, हेंस आंसर विल डज नॉट एग्जिस्ट। बट लफड़ा कहां होगा, अगर अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लास्ट में आ गया तो यहां लफड़ा हो जाएगा, मान लो, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमने शुरू में कुछ नहीं देखा कि किसी की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, तुमने तो मुंह फाड़ के सेपरेट कर दी, इसको अलग से सॉल्व कर रहे हो, इसको अलग से सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते 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 लास्ट टाइम में आपने देखा इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, तो अगेन लास्ट स्टेप पे आप कहां खड़े हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे। अब लास्ट में आप जब वहीं खड़े हो तो जहां चले थे वहीं तो हैं, हमें क्या पता कि हम कहां हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का आंसर क्या दोगे, अगेन वो तो क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, हमें नहीं पता वो क्या है, तो
हम क्या कहेंगे इस केस में जब ऐसा हो जाए, करना क्या है? कैंसल द सॉल्यूशन एंड रीथिंक अबाउट इट, कुछ और करने की सोचो, इससे अपना आंसर नहीं आएगा, इससे तो आंसर नहीं आया ना भाई। मैं क्या कह रहा हूं, अब आप पूरी कहानी को सुने कि सबसे पहले तो हमने कहा कि भाई अगर आपको ये अलग अलग करने का जो कायदा है ना, ये तभी है जब इनडिटरमिनेट फॉर्म ना हो। इनडिटरमिनेट कैसे हो सकती है? इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी हो सकती है। तो अगर पहले से आपको कोई एक पता है कि लिमिट या फाइनाइट आ रही है तो आप उपाड़ के अलग अलग कर ही सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर मान लो हमें नहीं पता दोनों की वैल्यू कहां जा रही है, तो हमने उपाड़ के कर दिया सेपरेट, अब उसको अलग सोल्व कर रहे हैं, इसको अलग सोल्व कर रहे हैं, लास्ट में करते करते या तो कुछ आंसर आ जाएगा या ये आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट है पक्की बात है, या इनडिटरमिनेंसी आ जाएगी इनफिनिट माइनस इनफिनिट। लेकिन अगर इनफिनिट माइनस इनफिनिट आ गया तो फिर आप किस पॉइंट को देखें कि इसको आपने अलग अलग कर दिया इनफिनिट माइनस इनफिनिट को, पर ऐसा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि पॉइंट वन ये है कि ऐसा तभी कर सकते हैं जब इनफिनिट माइनस इनफिनिट ना हो। तुमने मुंह फाड़ के कर दिया बिना सोचे, तो अब तुम्हारी किस्मत अगर बुरी हुई, मान लो अच्छी हुई तो इनमें से कोई आंसर आ जाएगा, बुरी हुई तो पता चला इनफिनिट माइनस इनफिनिट आ गया, तो फिर तुम क्या खुद से सोचोगे अरे यार ये क्या कर दिया, ये तो पहले ही बात थी कि ये तब ये काम तभी कर सकते हो इससे ये जब ये चीज ना हो। तुमने उल्टा मान लिया कि चलो नहीं है, हमने मुंह फाड़ के कर दिया और पता चला यही चीज थी, तो फिर तो पता चलेगा ये गलत है, ये नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, काट दो उसको सारा, अब दोबारा से सोचो कि हम क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर बात? ठीक है। इसी में नॉट के अंदर नॉट, नॉट के अंदर नॉट है, इसके बाद लिखना सेपरेट करने के बाद, सेपरेट करने के बाद फाइनल आंसर्स जोड़ने से पहले क्लब नहीं करना है, बहुत ही जबरदस्त स्टेप है ये। अब ये मान लो जो मैं बता रहा हूं ना, लोग आगे जाके गलतियां करेंगे, वो इसी की वजह से गलतियां करेंगे। वो क्या करते हैं, पहले तो मुंह फाड़ के अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर दिया आपने, फिर मान लो दो स्टेप इसके सॉल्व कर लिए, दो स्टेप इसके सॉल्व कर लिए, इसका और इसका भी आंसर नहीं निकाला, सॉल्व कर लिए, मतलब पहले अलग अलग कर दिया, फिर रास्ते में कुछ सिंप्लीफिकेशन करके वापस दोनों को कंबाइंड कर दिया। मान लो लिमिट बाहर खींच के कॉमन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स वापस कंबाइंड कर दिया, वापस कंबाइंड करने से उसका कुछ आंसर आ गया, लेकिन वो आंसर गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये हमारा रूल है कि जैसे ही हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, आप रास्ते में बीच में मिक्स नहीं करेंगे दोनों एक्सप्रेशन को, या तो हम पहले करेंगे ही नहीं अलग अलग, ये देखेंगे कि एक इनमें से एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, नहीं करती है तो कुछ और सोचेंगे, हम अलग अलग नहीं करेंगे। और इन केस आपने कर दिया, अगर आपका आंसर आता है फाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट देन इट्स ओके, अगर इनफिनिट माइनस इनफिनिट आता है तो आप दोबारा सोचेंगे, ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि पहले मुंह फाड़ के दुकानें अलग अलग कर दी, फिर इसको सॉल्व करा थोड़ा सा, इसको सॉल्व करा थोड़ा सा, और रास्ते में बिना लिमिट इसकी वैल्यू L1 और L2 तो निकाली नहीं हमने, रास्ते में बीच में एक्सप्रेशंस को क्लब कर दिया और उनको सिंप्लीफाई करके कुछ और ही आंसर बता दिया, तो आपका आंसर गलत हो सकता है, बाद में मत पछताना। तो ये अभी मैं सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं, ये जब एग्जांपल्स अपन करेंगे ना तो आपको मैं बीच बीच में देखो बकायदा नोट करवा के बताऊंगा कि देखो अगर वो पॉइंट अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई बच्चा ऐसे गलत तरीके से कर लेगा और फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, तो उस टाइम पे ये बात आपको ध्यान में आएगी। लेकिन अभी थ्योरी पढ़ रही है तो अपन सारी चीज लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या काम की बात करी, सीधा सेपरेट कर सकते हैं अगर इनडिटरमिनेट ना हो, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी ना हो तो कर सकते हैं। तो फिर सर हमें तो नहीं पता होगा ना क्वेश्चन इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी है, मान लो मुझे एक भी लिमिट पता चल गई तो आप फाड़ के सेपरेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, ये आंसर आ गया तो फाइनल आंसर आ जाएगा और ये इनफिनिट आ गया तो ओवरऑल आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। दोनों का ही नहीं पता, हमने बड़े बड़े एक्सप्रेशन हमने मुंह फाड़ के अलग कर दिया, बस एक चीज ध्यान रखनी है, फिर मुंह फाड़ के दोनों के रास्ते अलग अलग कर दिया ना तो बीच में दीवार खींच देना, वो अलग चलेगा ये अलग चलेगा, जब तक उसका आंसर और इसका आंसर नहीं आ जाता तब तक हम बीच में दोनों को रास्ते में मिलाएंगे नहीं, वापस से अलग अलग आंसर ही डील करेंगे, और उसमें अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया तो भी अच्छी बात, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई फिर वो काट दो और दोबारा से सोचो, बीच वाले मिक्सिंग करने का पाप नहीं करेंगे, है ना। सेपरेट करने के बाद फाइनल आंसर जोड़ने से पहले क्लब नहीं करना है, ये पाप होगा, अदरवाइज किया तो पाप होगा। ये बात बहुत ही तमीज से नोट कर लेना कॉपी में भी और दिमाग में भी, जैसी क्वेश्चन में नीट आएगा मैं आपको वहां पे रेफर करके दिखाऊंगा।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट भी रूल ही है जैसे सेकंड रूल था कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन दे रखे हैं सपोज, तो आप इसको अगर दुकानें अलग अलग करते हो इंटू ठीक है अगेन, ये आप हमेशा नहीं कर सकते, वैलिड ओनली राइट हैंड साइड इज नॉट एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो सकती है ये बोलो? ये हो सकती है जीरो इंटू इनफिनिट, दोनों को प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट के बीच में ये जीरो इंटू इनफिनिट की फॉर्म हो सकती है। तो अगर ये ऑलरेडी आपको पता है कि एक लिमिट जीरो है एक इन्फिनिटी है, तो आप अलग अलग नहीं कर सकते और रुक नहीं सकते, आपको कुछ और मेथड सोचना पड़ेगा, कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी जिससे आप इसकी इनडिटर्मिनेंसी को हटा पाओ, आप डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे पहले बताया नॉट टू, अब देखो अगर मान लो आपको जैसे मैंने वहां कहा था, वहां तो ये कहा था कोई भी एक लिमिट की वैल्यू पता चल जाए बस कि एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो जीरो है चाहे कुछ भी है, पांच है माइनस पांच है, तो दूसरा उसमें जुड़ना था तो वो इनफिनिट हो भी जाता तो भी इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ सकती थी। यहां पर मान लो एक लिमिट हमें नहीं पता क्या है, मान लो वो इनफिनिट आ भी गई, लेकिन अगर एक लिमिट पता है और वो पता है कि वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो मान लो दो होगी पांच होगी दस होगी एक बटा दो होगी कुछ भी होगी, तो दूसरे वाली जो लिमिट है या तो वो की वैल्यू आएगी, वैल्यू इंटू वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, या क्या होगा वो इनफिनिट आएगी, तो इनफिनिट इंटू फाइव है तो इनफिनिट आ जाएगा, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। बट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं आएगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो तभी आएगी ना जब एक लिमिट जीरो को जा रही है एक लिमिट इनफिनिट को जा रही है, तो मतलब यहां पर भी मैं सेपरेट कर सकता हूं अगर मुझे पहले से ही पता है कि एक लिमिट इनमें से एग्जिस्ट कर रही है और वो जीरो नहीं है। इफ वन ऑफ द लिमिट, वन ऑफ द लिमिट इज वन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो, ध्यान रखना है दोनों चीजें, गांठ बांध लेना इस पे, जैसे पिछले में तो सिर्फ एग्जिस्ट था, इसमें आपको पता चल जाए एक लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो जीरो नहीं है, जीरो है तब नहीं कर सकते क्योंकि जीरो इंटू बाद में इंफिनिटी तो बन ही सकता है क्योंकि लिमिट जीरो मतलब वो भी तो टेंड्स टू जीरो ही होता है ना, तो अगर वन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो जीरो नहीं है देन यू कैन सेपरेट, तब आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि दूसरे वाली फिर इनफिनिटी आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनडिटर्मिनेंसी नहीं आएगी, आंसर आना तो आ जाएगा नहीं आना तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। और अगेन इफ मुंह फाड़ कर कर दिया, इफ मुंह फाड़ कर आपने सेपरेट कर दिया ठीक है ना, विदाउट थिंकिंग अबाउट द लिमिट्स या विदाउट नोइंग अबाउट द टेंडेंसी ऑफ द बोथ लिमिट्स एफ एक्स एंड जी एक्स, यू सेपरेट ब्लाइंडली है ना मुंह फाड़ के, तो क्या होगा? तो अगेन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स को अलग से सॉल्व करोगे और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स को अलग से सॉल्व करोगे, यहां फाइनल आंसर्स आएंगे उनको एनालाइज करोगे, अगर एल वन इंटू एल टू एग्जिस्ट कर गया तब तो अच्छी बात है, अगर एल वन इंटू एल टू मान लो इनफिनिट या माइनस इनफिनिट आ गया तो अपन बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट है आंसर, बट अगर L1 into L2 जीरो into इनफाइनाइट आ गया, एक की लिमिट जीरो और एक की लिमिट, मतलब सर ये तो वही बात हो गई कि जीरो into इनफाइनाइट था तो अलग कर नहीं सकते थे, बट आपने बिना सोचे अलग कर दिया, पता चल रहा है कि ये तो जीरो into इनफिनिटी है, तो हम गलत काम नहीं कर सकते, कैंसल द सॉल्यूशन एंड रीथिंक अबाउट इट। अगेन नॉट में नॉट ये कि दुकानें अलग करने के बाद, दुकानें अलग करने के बाद फाइनल आंसर से पहले, फाइनल आंसर से पहले बीच में क्लब नहीं करेंगे, दोबारा बता दी ये बात,
ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। मान लो बहुत ही ज्यादा जनता परेशान रहती है और ऑलमोस्ट ज्यादातर जनता को नहीं पता होती है ना, बहुत मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे कैटेगरी लेवल में पढ़ रहे हैं उन्हीं को पता होती है, बाकी नहीं पता होती है। इसी वजह से वो बीच बीच में कुछ गलतियां कर देते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता उनकी गलती क्या है, उनका आंसर क्यों गलत आ गया है। ठीक है, तो थियोरेटिकल पॉइंट पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जिनको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कल से तो हम देखो आगे मेथड ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे तो अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट ये जो चार लेक्चर है ना शुरू के, ये मान लो आपका बेस बना रहे हैं। ठीक है ना, और आज भी बहुत जोरदार बातें हो रही हैं तो आपको ध्यान देना है एक एक बात को, जहां जहां ये आएंगे क्वेश्चंस में आपको मैं दिखाऊंगा और आप फिर पक्के हो जाएंगे अच्छा हाँ यार आप सही कह रहे थे। ठीक है ना, अभी तो मैंने लिख लिया क्या अलग नहीं कर सकते, अगर एक लिमिट एग्जिस्ट करिए नॉन जीरो है तो आप मुंह फाड़ के प्रोडक्ट में अलग कर दो, और अगर मुंह नहीं पता फिर भी कर दिया तो बीच में क्लब नहीं करना पहली बात, तो लास्ट में आंसर एनालाइज करना है, और अगर उसमें जीरो इंटू इनफिनिटी आ गया तो वापस काट दो और दोबारा से सोचो। ठीक है ना, चलो फोर्थ जो रूल है, पहले मैं चलो इसका एक आपको एक्सप्लेनेशन भी दूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेसिकली इसकी एग्जांपल समझो आप, जैसे मान लो यार कोई क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 साइन x प्लस कॉस x इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, एफ ऑफ x कुछ है हमें नहीं पता, तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 साइन x प्लस कॉस x इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 एफ एक्स, क्या मैं ऐसे अलग अलग कर सकता हूं? तो रूल थ्री से आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है एक भी लिमिट जीरो नहीं है और एग्जिस्ट कर रही है, तो आप देखो ये वैली लिमिट 1/√2 प्लस 1/√2 मींस √2 आ रही है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो दूसरी लिमिट आपको नहीं पता, फंक्शन हमें पता ही नहीं क्या है, वो इनफाइनाइट हो तो ज्यादा ज्यादा आंसर क्या आएगा डजंट एग्जिस्ट, और अगर वो जीरो हो तो आंसर जीरो आ जाएगा √2 * 0, 5 हो तो आंसर 5 √2 आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, बट ऐसा थोड़ी होगा 0 * इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंसी फॉर्म तो नहीं बनेगी ना, तो इसीलिए मैंने कहा जब दोनों ही नहीं पता हम सेपरेट नहीं कर सकते, एक पता है तो आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज अगर मान लो आपने मुंह फाड़ के दोनों सेपरेट कर भी दिए तो लास्ट स्टेप तक आपको बीच में क्लब नहीं करना है और फिर फाइनल वैल्यूज को एनालाइज करके देखना है कि 0 * इनफाइनाइट तो नहीं था, वो था तो फिर दोबारा सोचो, अगर वो नहीं था तो कुछ आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो ये वैल्यू आप अगर अब ये वैल्यू अगर अलग है और ये वैल्यू अलग है, मैंने क्या बोला कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये एग्जिस्ट नहीं सॉरी ये एग्जिस्ट कर रही है और नॉन जीरो, तो आपने अलग अलग कर सकते हो, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू, और मैं बोलूं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 एफ एक्स दिया हुआ है, तो क्या आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो? तो इसको अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि पाई बाय 4 पे ये भी 1/√2 को जा रहा है, ये भी 1/√2 को जा रहा है, तो जो ये लिमिट है ना ये लिमिट जीरो को जा रही है, तो ये लिमिट जीरो को जा रही है, तो आप अभी मैंने बताया नॉन जीरो और फाइनाइट है तो आप अलग अलग कर सकते हो, जीरो है तो आप अलग अलग नहीं कर सकते, उसका कारण है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको ये लिमिट नहीं पता, भगवान ना करे ये लिमिट कल को इन्फिनिटी हो गई, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी को तो आप अलग अलग कर ही नहीं सकते, फिर आपने कैसे कर दिया। तो जब तक हमें इस लिमिट का नहीं पता, ये अगर मुझे पता है 4 है या 5 है, फिर तो आप अलग अलग करके 0 × 5 आंसर दे सकते हो। अगर ये मान लो इनफाइनाइट हो जाए तो खुदा ना खास्ता 0 × इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, मतलब आपने तो पाप कर दिया, पाप अलग अलग नहीं कर सकते थे बट आपने कर दिया, तो क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो यही मैं बता रहा था कि जब एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है प्रोडक्ट में और वो नॉन जीरो है तो आप सेपरेट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ऐसी सम में अगर एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आप सेपरेट कर सकते हो, चाहे वो जीरो है या नहीं है, नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और फिर दूसरी चीज मान लो मुंह फाड़ के कर भी दिया, मान लो इसमें कर दिया इसमें कर दिया, अब मैं कह रहा हूं कि बीच में हमें आंसर नहीं रखना, दोनों को मिक्स करना है लास्ट स्टेप तक। अब जैसे ये है तो इसका आंसर तो जीरो आ गया, इसका आंसर अभी आया नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते जीरो इंटू एनीथिंग,
कोई बच्चा पता क्या बोलेगा, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, ऐसा थोड़ी होता है, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो थोड़ी होता है, जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइंड जीरो होता है, जीरो इंटू एनीथिंग टेंस टू जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइंड जीरो होता है, टेंस टू जीरो इंटू इनफाइनाइट अगर हो जाए तो वो जीरो थोड़ी होता है, तो ये एनीथिंग क्या है हमें नहीं पता ना, इसीलिए हम इसका आंसर जीरो नहीं दे सकते, इसका हमें स्टडी पता हो एफएक्स क्या है, और अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही हो फिर आप अलग अलग कर सकते हो, जीरो आ रही हो तो भी कर सकते हो, अगर वो इनफाइनाइट आ गया तो आप नहीं कर सकते, मतलब आपको ये कैंसिल करके कुछ और सोचना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, और इसमें आप कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पॉइंट नंबर टू, इसी में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ लोग फिर क्या करेंगे, इसमें हमने वैल्यू रख दी रूट टू इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर एफ एक्स। अब मैंने क्या कहा था, लास्ट तक चलने दे, हम बीच में मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन लिमिट में आगे जब आप पढ़ोगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े एक्सप्रेशन आएंगे, तो जब हमें हर डेप्थ पता है कि हम क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ कुछ वैल्यूज बीच में इजी, मतलब इजी करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते रहते हैं। तो जैसे ध्यान से देखो, ये रूट टू को आप अंदर लिख सकते हो के पहली प्रॉपर्टी से, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर रूट टू टाइम्स एफ एक्स। अब कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होता है, लोगों को यह लगता है कि आपने इसमें लिमिट की वैल्यू रख दी, आप इसको इससे कंपेयर करो सीधा, वही एफ एक्स तो वैसे ही पड़ा है, उन्हें यह नहीं पता हमने दो स्टेप करे बीच में और दोनों लॉजिकली करे कि आप अलग कर सकते थे, ये जीरो नहीं है, दूसरा फिर के को अंदर ले जा सकते थे इसलिए हमने ये कर दिया, लेकिन जनता ये नहीं देखती, जनता सिर्फ ये और ये देखती है, वो बोलती है अच्छा आपने इसकी वैल्यू बीच में रख दी रूट टू, तो फिर इसकी वैल्यू बीच में जीरो क्यों नहीं रख सकता था, मैं आंसर जीरो बोल देता, तो उसका रीजन आपको समझ में आ रहा है कि ये जीरो इनटू एनीथिंग जीरो नहीं होता, जीरो इनटू एनीथिंग डिफाइंड जीरो होता है, तो यहां तो हम नहीं रख सकते, यहां हम रख सकते हैं। दूसरा इससे क्या मिसकंसेप्शन जनरेट होता है स्टूडेंट्स में, वो ये सोचते हैं कि हमने आधी लिमिट बीच में रख दी, आधी लिमिट की वैल्यू बीच में पुट कर दी है आपकी, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ऐसा तभी कर सकते हैं, ओनली देन कैन डू इफ दैट पार्ट इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन एंड इज नॉन जीरो फाइनाइट। ठीक है भैया, ये नॉन जीरो थी, फाइनाइट वैल्यू थी, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो लोगों को देखने में लगता है अरे वाह बीच में आधी वैल्यू रख दी, तो देखो आधी वैल्यू रखने का कानून नहीं है लिमिट में, लिमिट का कानून तो यही है कि आपने उसको अलग सॉल्व करा, उसको अलग सॉल्व करा, उसको बीच में करा, बीच में क्लब नहीं करना फंक्शन को, मैंने बताया था, लेकिन यहां हमने फंक्शन को क्लब नहीं करा है, यहां हमने आधी लिमिट की वैल्यू रख दी है कि बार बार ये एक्सप्रेशन कौन लिखे, तो ये कभी बच्चे सोचते हैं कि अच्छा आधी लिमिट की वैल्यू रख दो, तो वो हमेशा रखना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। वो क्यों गलत है, क्योंकि आधी तभी रख सकते हो जब वो पूरी चीज प्रोडक्ट में हो, जैसे ये पूरी चीज बचे हुए फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में थी और वो नॉन जीरो थी, तो वो इस रूल के हिसाब से ऐसे रख सकते हैं। मान लो क्वेश्चन में ऐसा हो कि आप सोचो कि यार लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 5 अपॉन fx, ऐसा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें लिमिट रख दी रूट टू प्लस 5 by fx, आप ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, उसका कारण है क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, क्या ये क्वांटिटी पूरे बचे हुए फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है क्या, नहीं ना, ऐसा थोड़ी देख सकते हो इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 5 upon fx, ऐसा थोड़ी लिख सकते हो कि इसको बाहर निकाल लोगे और इसमें साइन कॉस बचेगा ही नहीं लिख सकते ना, तो दिस क्वांटिटी इज नॉट प्रेजेंट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन, देन आप इसको नहीं लिख सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे यहां पर यह क्वांटिटी बचे हुए क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लीकेशन में थी बट वो जीरो नहीं थी, जीरो थी इसलिए उसकी वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, अदरवाइज बच्चे आंसर मुंह फाड़ के जीरो दे देंगे बिना इस पे चर्चा किए। तो अल्टीमेटली जो पॉइंट है मैं वो ये समझाना चाह रहा हूं भाई,
कि जीरो इंटू इंफिनिटी में जो टोटल बातें हुई मैं आपको वो सारी बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने बात करी कि जीरो इंटू इंफिनिटी को अलग अलग आप दुकानें अलग अलग कर सकते हो तभी जब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो। दो प्रोडक्ट में एफ इंटू जी को अलग अलग कर सकते हो जब जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म ना हो। और मान लो आपको भाई पहले से एक पता चल गया कि एक नॉन जीरो है और एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसकी वैल्यू को उसमें रख मतलब अलग अलग कर सकते हो। और तीसरा अगर हमें नहीं पता हमने मुंह फाड़ के अलग कर दिया तो बीच में क्लब नहीं करना, आपको लास्ट स्टेप तक जाना है और फिर आप देखना है आंसर आ गया अच्छी बात है, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया तो भी अच्छी बात है, अगर जीरो इंटू इन्फिनिट आ गया मतलब उसको छोड़ के आप दोबारा से करेंगे। ये बात हमने बताई। लेकिन इसी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आया कि जब हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं और ये नॉन जीरो फाइनाइट है तो इसकी मैं वैल्यू रख सकता हूं और इसको अंदर के बना के ले जा सकता हूं, तो यहां से यहां देखने पे लगता है हमने आधी लिमिट बीच में रख दी है। तो हम आधी लिमिट बीच में नहीं रखते हैं, ये काम तभी कर सकते हैं जब वो चीज पूरी क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो और नॉन जीरो हो। क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है तो आप इसको अलग अलग करके ऐसे वैल्यू को के बना के अंदर नहीं ले जा सकते, और अगर नॉन जीरो नहीं है तो आप ऐसे केसेस में इसका आंसर जीरो दे दोगे विच इज टेक्निकली रॉन्ग बिकॉज दिस मे बी इनफिनिट। आप सेपरेट तभी कर सकते हो जब जीरो नहीं है। तो कोई क्वांटिटी पूरे के साथ प्रोडक्ट में है और जीरो नहीं है उसकी लिमिट तो आप उसकी वैल्यू बीच में रख सकते हो, और ऐसा हम करेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम उनको कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें, बाकी जैसे जैसे इसमें क्वेश्चंस करेंगे एग्जांपल्स करेंगे आपको बातें और ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। बट फिर भी आप कोशिश करें, आपको यहां से मैंने कोशिश करा है कि आपको ये समझ में आ जाए, अदरवाइज आप जैसे जैसे क्वेश्चन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मेरा एग्जैक्टली पॉइंट क्या था कहने का, ठीक है। चलो अब ये हो गया रूल थ्री, तो इसी ये दो बातें ध्यान रखें खासकर रूल नंबर टू और थ्री वाली। ठीक है, अब मेरे को एक देखो डिवीजन का तो कुछ ऐसा बनता नहीं है। मान लो रूल नोट पॉइंट फोर की बात कर दोगे अगर तुम कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स को भी आप सेपरेट कर सकते हो, उसको तो आप ऐसे लिख ही सकते हो ना, फिर लिमिट ऑफ एक्स ए अपॉन एफ एक्स अपॉन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इफ राइट हैंड साइड इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं होनी चाहिए यार बस, ठीक है ना। या आप ऐसा क्या कर सकते हो इसको, आप इसको ऐसे डील कर सकते हो ना यार, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन अपॉन जी एक्स। बेसिकली ये दो फंक्शंस की लिमिट को आपने प्रोडक्ट, तो रूल नंबर थ्री के हिसाब से है ना, मतलब पॉइंट नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग इसको डील कर लो कि आप सेपरेट तभी कर सकते हो जब वन ऑफ द लिमिट जीरो हो और जीरो ना हो और एग्जिस्टिंग हो, तो वैल्यू रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते। और अगर मुंह फाड़ के आपने सेपरेट कर भी दिया तो इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, फाइनल वैल्यू को ही एनालाइज करो। अगर जीरो इंटू इन्फिनिटी बन गया फिर इसको हटा दो, कुछ और सोचो, बीच में क्लब नहीं करना है। अगर मान लो वन ऑफ द लिमिट की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है तो फिर आधी लिमिट आप बीच में रख सकते, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जो इसमें लास्ट पॉइंट बचता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ ऑफ जी कंपोजिट फंक्शन की बात कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, उसको बस एक और क्लियर कर दूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू ए पॉइंट नंबर फाइव है ना, कंपोजिट फंक्शंस में, कंपोजिट फंक्शंस में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ gx को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, f के अंदर ले जा सकते हो क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx ऐसे लिख सकते हो क्या, कब लिख सकते हो कब नहीं उस पर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लो अपन ने एग्जांपल लिया लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो बेसिक से अगर अपन जाएंगे बेसिक से तो अपन को पता है कि अगर x जीरो प्लस को जाएगा, साइन x का ग्राफ देखो ऐसा है ना, तो जीरो प्लस को जाएगा तो साइन x भी जीरो
प्लस को जाएगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो वन को जाएगा, ये आपकी आरएचएल है। और अगर आप एलएचएल निकालोगे तो वो होगा जब एक्स जीरो माइनस को जाएगा, साइन एक्स आपका जीरो माइनस को जाएगा और उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपका माइनस वन को जाएगा, इसलिए आप बोलते हो इसकी आरएचएल आरएचएल अलग अलग है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, ये कहानी हम कर चुके। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि अगर मैं इसकी बात पूछूं आपसे, इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर तो वन ही होगा ना, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है। अब इसमें आपको बहुत ही माइन्यूट सा पॉइंट है जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि लिमिट लगने के बाद जो वैल्यू आती है वो कभी भी ऐसे हम फलाने से छोटी फलाने से बड़ी ऐसी नहीं आती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू आती है। बताया था ना मैंने लिमिट ऑलवेज इज एग्जैक्ट वैल्यू, नेवर लेस देन वन और जस्ट ग्रेटर देन वन। जैसे मैं नोट फोर या थ्री के राउंड आपको बताया था फ्रैक्शन पार्ट में कि एलएचएल उसकी वन आ रही है जीरो पे, तो सर वन से थोड़ी छोटी ऐसा नहीं बोलेंगे, वन ही बोलेंगे, जिस तरफ जा रहा है दैट वैल्यू इज कॉल्ड लिमिट, है ना। और लिमिट जब लग गई तो वो तो एग्जैक्ट आ गई ना। अब इसमें आप अगर अंदर बात करोगे, अंदर आरएचएल बात करोगे तो भी जीरो आ रही है, एलएचएल बात करोगे तो भी जीरो आ रही है, तो बेसिकली ये पूरी जो लिमिट है वो जीरो आ चुकी है। वो जीरो से कम या जीरो से ज्यादा नहीं है कि जीरो से थोड़ी सी कम है या जीरो से थोड़ी सी ज्यादा है, दिस ये जो अंदर वाला आइटम है ना यही है, ये लिमिट जो है वो क्या है, जीरो है। नाउ जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो होता है। जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो होता है, ये आपको पता है। तो देखो इसमें फर्क है। तो यहां पर बच्चे यही गलती करते हैं कई बार, वो बोलते हैं कि सर देखो x जब जीरो को जा रहा है, साइन x जीरो को जा रहा है, जीरो को जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो देखो दोनों में फर्क है, ये f ऑफ g, अब अगर आप कईयों को दिखा नहीं होगा कि f ऑफ g कैसे है, अगर मैं एफ एक्स को बोलता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और जी एक्स को बोलता हूं साइन x, तो देखो f के अंदर g रखेंगे तो यही बनेगा फोर, तो इसके अंदर ये दूसरा फंक्शन है। तो इस केसेस में हमें बेसिकली ग्रेटेस्ट था इसलिए मैंने आरएचएल अलग अलग देखा, अदरवाइज हमें थोड़ा सावधानी से ही चलना है ऐसे कंपोजिट के केसेस में। इसको आप इसके बराबर नहीं बोल सकते क्योंकि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो सर फिर ऐसा कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, उस पर भी एग्जाम्पल समझे आप। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, साइन एक्स प्लस वन बाय टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो देखो आप इसको बेसिक से देखो, आरएचएल देखो इसकी, जब एक्स जीरो को जा रहा है प्लस को तो साइन एक्स कहां को जा रहा है, जीरो को, तो साइन एक्स प्लस वन कहां को जा रहा है, वन को, बाय टू कहां को जा रहा है, हाफ को, तो हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जीरो। तो आरएचएल कितनी आ गई आपकी, जीरो। और अगर एलएचएल की बात करोगे तो x कहां को जा रहा है, जीरो माइनस को, साइन x कहां को जा रहा है, जीरो माइनस को, तो साइन x प्लस वन कहां को जा रहा है, वन माइनस को, और बाई टू जा रहा है हाफ माइनस को। तो हाफ से थोड़ा सा बड़ा था यहां तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो था, हाफ से थोड़ा सा छोटा है यहां तो एलएचएल में ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आ रहा है। तो यहां पर लिमिट बराबर जीरो आ रही है, तो इसका आंसर जीरो आ रहा है। और इसी को अगर मैं ऐसे देखूं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो साइन x प्लस वन बाय टू, तो देखो यहां पर भी अगर मैं साइन की लिमिट रख दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर वैल्यू निकालूं तो साइन एक्स जब जा रहा है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। देखो अगर आप बेसिक फंडे से देखो तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय टू प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हाफ। तो आपको पता है ये लिमिट कितनी आ रही है, जीरो, और ये कितनी आ रही है, हाफ। तो जीरो प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगेन आंसर क्या आ गया, जीरो। तो ये वाला सेम आ गया, मतलब इसमें तो लिमिट ब्रैकेट इसके बाहर थी और इसके अंदर थी तो सेम आ गया, इसमें बाहर थी और अंदर में दोनों में अलग अलग आ गया। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप ग्राफ बताओ, ठीक है, मैं आपको ग्राफ सुनाता हूं, इसको मिटा रहा हूं। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाओ तो जीरो से लेके वन तक ऐसा होता है, वन से लेके टू तक ऐसा होता है, और माइनस वन से लेके जीरो तक ऐसा होता है, ठीक है, ये सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाउ
इस क्वेश्चन में जो मैंने मिटा दिया, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रैक्शन पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स में, ये बाहर वाला फंक्शन है कौन, एफ एफ एक्स, वो कौन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जी एक्स कौन है फंक्शन साइन एक्स, तो साइन एक्स अंदर वाले फंक्शन की जीरो पर लिमिट निकालो, वो क्या आ रही है जीरो, तो उस वैल्यू पर बाहर वाला फंक्शन कौन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, किस वैल्यू पर, अंदर वाले फंक्शन की x बराबर a पे लिमिट निकाली, x a पे लिमिट निकाली अंदर वाले फंक्शन की, वो इस क्वेश्चन में क्या रही है जीरो, उस पॉइंट पर बाहर वाला फंक्शन कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस है। अब ये मैंने नया टर्म बोल दिया, अब तक तो नहीं बोला था सर आपने, तो देखो अभी इसमें पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी पूरा चैप्टर इसी के ऊपर आधारित है, लेकिन फिर भी क्रूडली या देसी देसी मोटा मोटा भी समझ सकते हो यार, कि आपको दिख रहा है कि यहां से यहां जाने पे मेरे को देखो ये बीच में ग्राफ टूट गया ना भाई, यहां पर ग्राफ देखो कंटिन्यूस मतलब कि ऐसे लगातार चलते रहना, और टूटना मतलब बीच में ऐसे ब्रेक हो गया फिर ऐसे चला जाना है ना, तो जैसे ये टूट गया है ये नहीं टूटा ऊपर वाला, ऐसे ही यहां से ये फंक्शन यहां टूट रहा है यहां टूट रहा है, तो मैं क्या कह रहा था अंदर वाले फंक्शन की लिमिट निकाली, वो इस क्वेश्चन में क्या आ रही है जीरो, उस वैल्यू पर बाहर वाला फंक्शन जो ग्रेटेस्ट है इस क्वेश्चन में क्या वो कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, वो डिसकंटिन्यूस है मतलब कंटिन्यूस नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में अंदर वाले फंक्शन की लिमिट निकालो जीरो पे, वो क्या आ रही है हाफ, अब देखो हाफ पे अंदर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तो जो बेसिक फंडा है ना वो अब मैं लिख रहा हूं कि दिस कैन बी डन ओनली व्हेन एफएक्स इज कंटिन्यूस, fx is continuous at L, L बराबर limit x tends to a gx, मतलब composite function में भैया अंदर वाले function की पहले तो limiting value निकाल लो, जो question में argument कहां को जा रहा है, x tends to a है तो x tends to a पे fog में अंदर वाले g की value निकाल ली, limiting value निकाल लो, अगर वो आती है कुछ L और उस L पर बाहर वाला जो function है f वो अगर continuous है तो आप उसको अंदर ले जा सकते हो, जैसे इस केस में हाफ पे वो कंटिन्यूस था तो अंदर ले गए तो भी आंसर वही आएगा, बाहर है तो भी आंसर से, लेकिन अगर उस पॉइंट पे जैसे पिछले क्वेश्चन में वो जीरो आ रहा है उस पे वो डिसकंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि अंदर ले जाने पे आंसर सेम आएगा, तो हम अंदर नहीं ले जा सकते, और आपने देखा भी अंदर ले जाने पे इसका आंसर क्या आ रहा था भाई, जीरो का आंसर क्या आएगा, जीरो आ रहा था, लेकिन दूसरे का आंसर क्या आ रहा था, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था, तो आप इस तरह से अंदर तभी लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हो, बस नोट बना लो, जब अंदर वाली लिमिट x टेंड्स टू a gx पर जिसको मैं बोल रहा हूं l, और बाहर वाला फंक्शन f क्या हो कंटिन्यूस, ठीक है। तो सर ये हम कैसे देखेंगे कंटिन्यूस, तो अगला चैप्टर तक आप समझ जाओगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आपको अभी लॉजिक पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया कि अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, मान लो वो l है और उस पर बाहर वाला फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो आप उसको अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, और अंदर वाली लिमिट ही नहीं है फिर तो मतलब ही नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो फिर हम बेसिक से देखेंगे। कैसे देखेंगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं, ठीक है। एक फंक्शन दे रखा है आपको जी एक्स, वो दे रखा है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर when x is less than 2, और एक है 7 minus x when x is greater than 2, है ना, piecewise function एक आपको gx दे रखा है और एक आपको fx function का graph दे रखा है, वो ऐसा है, ठीक है। ये वैल्यू 1 दे रखी है, ये 2 दे रखी है, ये वैल्यू 5 दे रखी है आपको, और ये वैल्यू आपको 0 दे रखी है ना, तो एग्जैक्टली ऐसे सिमेट्रिकल तो नहीं होगा, बट आप मान लो ऐसा एक ग्राफ दे रखे आपको, ठीक है ना, एंड उसके बाद आपको दे रखा है यहां से इस तरह, मतलब ऑब्वियसली, और ये यहां से होल करके ना ऐसे, ये एफएक्स ग्राफ है,
ये वैल्यू दो दे रखी है, ये चार दे रखी है और ये तीन दे रखी है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू टू एफ ऑफ जी एक्स। अगला क्वेश्चन है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एफ एक्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फाइव जी ऑफ एफ एक्स। देखो आप इस क्वेश्चन से पहले ये भी लिख सकते हो कंपोजिट फंक्शंस के लिए, है ना, लिमिट फॉर कंपोजिट फंक्शंस में कैसे करना है आपको। तो कंपोजिट फंक्शन आपको फंक्शन में बढ़ाए थे, देखो यहां तो फंक्शन एफ का ग्राफ दे रखा है, मान लो फंक्शन भी दिया होता तो कंपोजिट निकालने के लिए आपको पता है एक लेंथी सा प्रोसीजर है थोड़ा सा। एफ मान लो फोग निकालना है तो एफ में एक्स की जगह जी रख दिया, फिर वो कंडीशंस बनती हैं, तीन चार केस बनते हैं, ऐसे आप डिफाइंड करते हो, ठीक है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं दूसरा कि एक का ग्राफ बनाते हैं, जैसे फोग निकालना है तो जी का ग्राफ बनाते हो आप और फिर एफ के अंदर आप देखते हो जी के ग्राफ से कि एफ के अंदर जी रखा तो जी कहां से कहां तक है, तो वो एफ की कौन सी डेफिनेशन लेगा, जो मेथड टू मैंने आपको फंक्शंस में बताया था कंपोजिट में। तो अल्टीमेटली कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कंपोजिट फंक्शंस को दिमाग सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है पहले फोग और गोफ निकालो, है ना, बट लिमिट में काम आसान हो जाता है, जरूरी नहीं आपको फोग और गोफ निकालने हैं। आप बिना फोग और गोफ को फाइंड आउट करे भी लिमिट की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है कंपेरेटिव टू फंक्शंस में, जैसे वहां हमें फोग ऑफ निकालने पड़ते हैं, ठीक है, उसमें नहीं निकालना है, सीधा लिमिट की वैल्यू बात करनी। तो ध्यान से समझे पूरे खेल क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो आरएचएल की बात करनी है अपन को, अगर एक्स मान लो टू प्लस को जा रहा है, एक्स टू प्लस को जा रहा है, तो सबसे पहले ये इनपुट किसके अंदर रखा जाएगा, जी के अंदर। तो जी के अंदर अगर मैं टू प्लस रखता हूं तो वो वैल्यू कहां को जा रही है, तो एक बात बताओ जी ये फंक्शन है, टू प्लस डेफिनेशन यहां रखी जाएगी या ऊपर रखी जाएगी, यहां रखी जाएगी, क्योंकि एक्स दो या दो से आगे के लिए ये वैलिड है डेफिनेशन और दो से कम के लिए ये वैलिड है, तो दो प्लस की बात कर रहे हैं तो ये रखोगे, तो जब सात में से कोई नंबर घटाओगे, दो घटाओगे तो पांच आएगा, लेकिन दो से थोड़ा सा बड़ा घटाओगे तो पांच से थोड़ा सा कम आएगा, पांच से थोड़ा सा कम आएगा, सही। नाउ अगर x 2 प्लस को जा रहा है तो g 5 माइनस को जा रहा है, अब g ये वाली जो चीज है ये 5 माइनस को जा रही है, तो f की वैल्यू 5 माइनस पे कहां को जा रही है, तो f का ग्राफ देखेंगे, f की वैल्यू 5 पे है एग्जैक्टली 2 और 5 से पीछे से जब अप्रोच करेंगे तो वो 2 की तरफ जा रही है, 2 से हल्की सी थोड़ी सी छोटी है, मतलब 2 माइनस की तरफ जा रही है, तो RHL को आप 2 बोल दोगे, बिकॉज किस क्वांटिटी की तरफ अप्रोच कर रही है वही लिमिट होती है। देखो दोबारा देखो, x 2 प्लस को जा रहा है तो ये वाली डेफिनेशन रखेंगे g में, क्योंकि सबसे पहला इनपुट रखा जाएगा g में। अब x 2 प्लस को जा रहा है तो 7 माइनस 2 प्लस तो आपका 5 से थोड़ा सा छोटा हो गया, मतलब g जो है वो 5 की तरफ जा रहा है बट थोड़ा कम है उससे। अब इस चीज पे इतना फोकस क्यों किया गया, क्योंकि अगर आप सीधा बोल दोगे g 5 को जा रहा है तो यहां से आप बोलोगे 5 पे तो वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो अगर आप ये समझो कि यहां 5 थोड़ी रखना है हमें, हमें तो ये देखना है वो 5 से कम है या 5 से ज्यादा है, क्यों, अगर 5 से कम हुआ तो लिमिट 2 आती और 5 से ज्यादा होता तो बेटा लिमिट 3 आती, तो 5 नहीं बोल सकते आप। तो इसीलिए अपन को इसमें थोड़ा सा सेंसिटिव होके देखना है कि जब एक्स 2 से बड़ा है मतलब इसमें डेफिनेशन रखेंगे तो एग्रोल पंजू 5 की तरफ जा रही है बट लेफ्ट साइड से, अब एफ में जब इनपुट 5 की तरफ जाएगा लेफ्ट साइड से तो लिमिट क्या जा रही है, वो वैल्यू 2 जा रही है, दैट्स व्हाई हियर आरएचएल क्या आ गया 2। अब आप ये मत सोचना कि ये एफ के लिए तो एल साइड है लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, वो एक अलग चीज है, एक्चुअल इनपुट तो हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं ना राइट साइड से, तो जी का आउटपुट 5 की तरफ जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, तो एफ को तो 5 की तरफ लेफ्ट साइड से देखेंगे, अल्टीमेटली ये है आरएचएल ही, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैं एलएचएल की बात करूं, एलएचएल की अगर मैं कहूं एक्स जा रहा है 2 माइनस को मतलब 2 माइनस, तो यहां पे रखी जाएगी डेफिनेशन। अब देखो अगर एग्जैक्टली 2 होगा तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और 2 से थोड़ा सा छोटा होगा तो आप उसको ऐसे देख सकते हो मोटा मोटा 2 माइनस एच माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कट गया तो ये क्या आएगा एच स्क्वायर, तो ये 0 प्लस की तरफ जाएगा, है ना,
डायरेक्ट भी बोल सकते थे, अगर डायरेक्ट आपको नहीं दिखा तो मैंने एच सब्स्टिट्यूट करके दिखा दिया कि जब दो माइनस रखेंगे यहां पे तो ये क्वांटिटी कहां जाएगी, जीरो प्लस की तरफ जाएगी। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एफ जो है एफ के अंदर एक्स दो माइनस को जा रहा है तो जी दो माइनस कहां को जा रहा है, जीरो प्लस को, तो एफ जीरो प्लस कहां को जा रहा है, तो एफ का फंक्शन जीरो के जस्ट आगे कहां को जा रहा है, दो को जा रहा है, तो एल एच एल भी कितनी आ गई, दो आ गई। अब सोचो अगर आप ये ना देखते जीरो प्लस को जा रहा है जीरो माइनस को, तो यहां गड़बड़ थी ना, जीरो प्लस पे तो आंसर दो को जा रहा है और जीरो माइनस पे आंसर चार को जा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना है, दोनों बराबर आ रहे हैं, हैंस लिमिट क्या आ गई, दो आ गई। सही है भाई, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन में लिमिट निकालना इस तरह से अपन को देखना है बिना कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करें। अब जैसे x देखो, ध्यान से देखो दोबारा, इसमें खेल समझ में आएगा। आरएचएल की बात करें, जब x 0 प्लस को जा रहा है तो fx की जगह 0 प्लस को जब जा रहा है इधर से fx में, तो लिमिट कहां को जा रही है, fx कहां को जा रहा है, 2 प्लस को जा रहा है या 2 माइनस को जा रहा है, 2 से थोड़ा कम है ना, 2 से ज्यादा थोड़ी है, तो जब x 0 प्लस को जा रहा है तो fx 2 माइनस को जा रहा है, मतलब 2 की तरफ जा रहा है पर 2 से थोड़ा सा कम है। अब सोचो 2 माइनस को जा रहा है तो इनपुट जी में यहां रखा जाएगा, और अगर कोई बच्चा इस बात पे ध्यान ना दे कि 2 माइनस है या 2 प्लस है, सर हमें क्या फर्क पड़ता है, मोटी मोटी बात कर रहे हैं कि x 0 प्लस को जा रहा है, 0 प्लस को जा रहा है तो fx की लिमिट 2 आ गई, fx की लिमिट आपने अगर 2 रख दी तो 2 पे तो वैल्यू यहां रख के 5 आ जाएगी। लेकिन कायदे से क्या हो रहा है, कायदे से ये हो रहा है कि x 0 प्लस को जा रहा है, ठीक है, fx 2 माइनस को जा रहा है, x 0 प्लस को जा रहा है, fx 2 माइनस को जा रहा है, तो 2 माइनस के लिए g की ये डेफिनेशन यूज होगी, g की जब ये वाली डेफिनेशन यूज होगी तो आप क्या बोलोगे उसको कि 2 माइनस को जा रहा है ना, 2 माइनस को जा रहा है तो g 2 माइनस कहां को जा रहा है, 2 माइनस h माइनस 2 का स्क्वायर, अगेन ये 0 प्लस को जा रहा है, तो RHL क्या आ गई आपकी, RHL क्या आ गई भैया, 0 आ गई, ठीक है। अब LHL की बात करें, हम LHL की बात करें तो जब x सॉरी लिमिट क्या है, ये x 0 को जा रहा है तो x जब 0 माइनस को जा रहा है तो फंक्शन f में इनपुट रखेंगे तो 0 माइनस में वैल्यू कहां को जा रही है, 4 प्लस को, तो fx कहां को जा रहा है, 4 प्लस को, अब 4 प्लस पे इनपुट यहां रखा जाएगा तो g कहां को जाएगा, जी 4 प्लस कहां को जाएगा, 4 प्लस पे वैल्यू जब यहां रखेंगे तो 3 माइनस को जाएगा, मतलब LHL की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3 आ गई। तो देखो LHL RHL बराबर नहीं है तो अपन बोलेंगे लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, सही है। चलो अब तुम देखो अगर इसकी बात करें अपन भाई इसकी, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 है, गोफ की बात हो रही है, तो x RHL की बात करूं मैं, RHL की, तो जब x 5 प्लस को जा रहा है तो सबसे पहले इनपुट fx में रखा जाएगा, तो 5 प्लस को जब जा रहा है इधर से तो f कहां को जा रहा है, 3 की तरफ, तो आप क्या बोलोगे, f 5 प्लस जो है वो 3 की तरफ जा रहा है पर प्लस साइड से, 3 प्लस जब जा रहा है f ये पूरा इनपुट, तो g की वैल्यू कहां को जाएगी, तो g की वैल्यू 3 प्लस में जाएगी, तो 3 प्लस तो इस रेंज में आएगा, तो 7 माइनस 3 प्लस मतलब ये 4 माइनस को जाएगा, हेंस RHL आपकी क्या आएगी, 4 आ जाएगी। और अगर LHL की बात करोगे, LHL की बात करोगे तो x जब 5 माइनस को जा रहा है, मतलब फंक्शन में x में 5 माइनस से जा रहे हैं, तो fx कहां को जा रहा है, 2 से थोड़ा कम है, तो जो fx है भैया वो 2 को जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, अब fx 2 को जा रहा है, अब देखो अगेन यहां पे अगर मैं ये ना देखूं 2 से कम जा रहा है या 2 से ज्यादा है, भाई मोटा मोटा बोल दूं fx 2 जा रहा है, 2 है तो 2 पे तो यह वैल्यू यहां रखी जाएगी, पर हकीकत में 2 माइनस को जा रहा है तो जी के अंदर जब इनपुट 2 माइनस को जाएगा तो वैल्यू ऊपर रखी जाएगी, तो ये फर्क है यहां पे, तो जब 2 माइनस को जा रहा है तो जी के अंदर जब इनपुट 2 माइनस को जाएगा तो आंसर कहां को जाएगा, 0 प्लस को, तो LHL की आएगी आपकी 0 आएगी, हेंस दिस लिमिट ऑल्सो डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। ये तो था इसका बेसिक, बेसिक से अपन ने देखा बिना कोई ज्ञान लगाए कि देखो इसमें ये यहां जा रहा है LHL में, x यहां जा रहा है, x जा रहा है तो gx कहां जा रहा है, gx वहां जा रहा है तो f कहां जा रहा है, एकदम बेसिक से हमने LHL RHL देख ली, इसमें हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब अगर अपन जो थ्योरम हमने पढ़ी है कि कंपोजिट फंक्शंस में, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं,
चलो आप ये सब नोट कर लेना है ना, मैं नीचे के सॉल्यूशन मिटा रहा हूं ना, सिर्फ आंसर आंसर लिखे हुए हैं क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है इस पे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो इस क्वेश्चन में कोई बच्चा कहे कि सर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू टू जी एक्स, ठीक है, तो जी जब दो को जा रहा है, ठीक है, जी जब दो को जा रहा है तो दो पे राइट साइड में वैल्यू क्या आ रही है इसकी, पांच, और दो पे लेफ्ट साइड पे वैल्यू क्या आ रही है, चार, ठीक है। g की वैल्यू अगर मैं देखूं, x की वैल्यू दो प्लस पे आ रही है तो g कहां को जा रहा है, पांच को, और अगर x दो माइनस को जा रहा है तो g कहां पे जा रहा है, जीरो को। तो बेटा जब दो पर g की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उसको अंदर कैसे ले जा सकते हो। अभी हमने पढ़ा कि f ऑफ g ऑफ x की पूरे की लिमिट अगर मैं बोलूं x टेंड्स टू टू है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू टू जी एक्स, तो यह आप तभी लिख सकते हो जब अंदर वाली लिमिट एग्जिस्ट करे और उस लिमिट पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो अंदर वाली लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप इसको कैसे ले जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं g ऑफ f की, तो x जीरो पे बात करें तो जीरो पे देखो अगर RHL इसकी क्या है, कुछ हो रहा है, LHL कुछ हो रहा है, तो f भी जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप इसको अंदर नहीं ले जा सकते। ऐसे ही पांच पर भी एक फंक्शन क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो LHL और RHL अलग थी इसलिए हम इसको अंदर नहीं ले जा सकते, जैसा कि मैंने आपको उस प्रॉपर्टी में समझाया है कि फोक अगर हम बात करें तो अंदर तभी ले जा सकते हैं जब अंदर वाली लिमिट एग्जिस्ट करे और वो बाहर वाला फंक्शन उस पॉइंट पर, उस लिमिटिंग वैल्यू पर कंटिन्यूस हो, अदरवाइज आपका लफड़ा आएगा। तो उस केसेस में हमें इस तरह जो मैंने तीन केस बताए आपको बेसिक से आपको करने पड़ेंगे, मतलब LHL RHL अलग अलग देखते हुए। तो देखो लिमिट आ भी रही है और कभी नहीं भी आ रही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये डिपेंड करेगा केस टू केस, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल डिपेंड करेगा।